आउट पेशेंट आज देख लेते हैं, दीज आर द पेशेंट हु रिसीव जनरली और इमरजेंसी ट्रीटमेंट विच कुड बी डायग्नोस्टिक थेरापीटिक और प्रिवेंटिव विदाउट बींग एडमिट एज एन पेशेंट इन द हॉस्पिटल। मतलब कि ऐसे पेशेंट तो ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंशन के लिए ड्रग लिए और फिर चले गए अपने, अब उसको एडमिट नहीं किया गया तो उसको आउट पेशेंट कहते हैं। अब आउट पेशेंट है, चार प्रकार के होते हैं, जनरल आउट पेशेंट, रेफर्ड इमरजेंसी स्पेशल। देख लेते हैं, जनरल आउट पेशेंट गिवन ट्रीटमेंट ऑफ आउट पेशेंट बेसिस फॉर द कंडीशन अदर देन इमरजेंसी कंडीशन। मतलब कि इसमें जैसे नॉर्मली पेट दर्द हुआ फिर ऐसा और वो दवा लेके घर चले गए तो उसे जनरल आउट पेशेंट कहते हैं। आउट पेशेंट, कुछ पेशेंट को डॉक्टर के थ्रू रेफर कर दिया जाता है कि उस डॉक्टर के पास चले जाओ। इट इज़ नॉट इमरजेंसी केस, इसमें इमरजेंसी केस नहीं होती है। इमरजेंसी आउट पेशेंट, दीज आर द पेशेंट गिवन इमरजेंसी और केयर। मतलब कि जैसे लीजिए अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसे यहाँ पे ले जाते हैं इमरजेंसी आउट पेशेंट, मतलब इमरजेंसी में ले जाते हैं उसको। लोकेशन एंड लेआउट देख लेते हैं, लोकेशन दीज आर नो हार्ड फास्ट रूल अबाउट इन इट्स लोकेशन, डिस्पेंसिंग इज डन फ्रॉम सेपरेट विंडो। मतलब इसमें जहाँ पर डिस्पेंस होती है वहाँ पे सेपरेट, मतलब दो दरवाजे या फिर विंडो होनी चाहिए, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए, मतलब अलग अलग लाइन लगाना चाहिए। और लेआउट देख लेते हैं, एडिक्वेट विंडो फॉर रिसीविंग एंड फिलिंग अ प्रिस्क्रिप्शन। एडिक्वेट विंडो होना चाहिए रिसीविंग के लिए या फिर प्रिस्क्रिप्शन फिल करने के लिए। वेटिंग रूम होना चाहिए, पेशेंट रीडिंग पेपर होना चाहिए, जैसे पेशेंट बैठे हैं तो उसके लिए न्यूज़पेपर होना चाहिए वो पढ़े टाइम पास के लिए। एजुकेटिव पोस्टर, मतलब पोस्टर लगा होना चाहिए वहाँ पे। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आउट पेशेंट सर्विस, न्यू पेशेंट गो टूवर्ड द रजिस्ट्रेशन काउंटर, नए पेशेंट जो रहते हैं वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाएंगे। टेक नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर लेंगे नेम। डिस्पेंसिंग ऑन नेचर ऑफ इलनेस, ही इज डायरेक्टेड टू ए पार्टिकुलर मेडिकेशन डिपार्टमेंट, राइट द प्रिस्क्रिप्शन थ्रू द डॉक्टर। डॉक्टर के थ्रू प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, फार्मासिस्ट चेक प्रिस्क्रिप्शन एंड फिल इट अप। मेंटेन रिकॉर्ड होना चाहिए, मेंटेन रिकॉर्ड करेगा, रिव्यू ऑफ ड्रग प्रिस्क्रिप्शन, रिव्यू करेगा उसको ड्रग को या प्रिस्क्रिप्शन को। ड्रग डिस्पेंस ऑफ पेशेंट, फिर वो ड्रग डिस्पेंस कर देगा पेशेंट को। देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू ICCU CU एन ICU इमरजेंसी वार्ड। पहला देख लेते हैं, ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर ये होता है, स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है पेशेंट को तो इसमें सीरियस कंडीशन वाले होते हैं। CCU देख लेते हैं, इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट, आल्सो नोन एज इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट, इसको इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट भी कहते हैं। डिजीज रिलेटेड टू हार्ट, इसमें जो भी पेशेंट आते हैं वो हार्ट से रिलेटेड आते हैं, हार्ट से रिलेटेड डिजीज वाले पेशेंट को ICCU में रखते हैं। NICU मतलब न्योनेटल और न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, इसमें जैसे न्यू बेबी हो गए ये सब होते हैं, मतलब जैसे बच्चे पैदा हुए ना ये सब NICU में होते हैं। इमरजेंसी वार्ड, आल्सो नोन एज एक्सीडेंटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट, अवेलेबल एम्बुलेंस, इसमें अवेलेबल होना चाहिए एम्बुलेंस, 24 घंटा सप्लाई होनी चाहिए मेडिसिन की, एनी टाइम अवेलेबल फार्मासिस्ट या डॉक्टर, किसी भी टाइम चाहिए वहाँ पे फार्मासिस्ट या डॉक्टर अवेलेबल होनी चाहिए। फार्मेसी क्लोज होने के बाद भी ड्रग डिस्पेंस की जाती है।